नमस्कार। कल मैंने आपको ये बताया था कि हम लोग अब धीरे धीरे व्यवस्थित हो रहे थे। कोसोवो में खाने की दिक्कत लगातार बनी हुई थी। हर रोज़ तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि कैसे हम अपने मन पसंद जो हमें घर में मिलता था भारत में, अपने अपने आवास पे, अपने घर पे, अपने दोस्तों के यहाँ वैसा ही कुछ खाना मिल जाए ताकि हम जो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल है वो ठीक रहे, अच्छा रहे। अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन के साथ इसको करने की कोशिश की गई, जैसे चावल दाल अलग अलग बनाया, खिचड़ी अलग अलग बनाई, दूध बहुत बढ़िया मिलता था, खीर बनाई गई। सब कुछ करने के बाद रोटी की कमी खलती रही। बहुत परेशान रहे। जो हम लोग आटा लेके आए थे वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। निकट भविष्य में 3 महीने के पहले इतनी छुट्टियां नहीं इकट्ठा हो सकती कि हम जाएं वापस भारत और फिर लौट के आ जाएं। हफ्ते में एक छुट्टी का मतलब महीने में 4 छुट्टियां इकट्ठा हुई, और कम से कम 15 दिन की छुट्टी आपके पास हो तब आप जा सकते हैं। एक दिन सेट पर हम लोग जब आपस में लोकेशन का देना, आगे आना, पीछे आना, अपना जो रिलीवर है जब तक वो आ न जाए तब तक अपनी जगह से नहीं हटना, जो हेडक्वार्टर के हर दिन के जो आपकी दिनचर्या है उसके बारे में जो निर्देश आते थे कि किन इलाकों में जाना है, कितनी देर कहाँ रहना है, जगह कब बदलनी है, कितने बजे आप ऑफ होंगे, आपके आने के पहले या आपके आने तक जो आपके सब्स्टिट्यूट हैं, जो आपको रिलीव करेंगे वो कौन हैं, क्या उनका गाड़ी नंबर है, जब वो आ जाएंगे तभी आप वहाँ से इसकी सूचना देकर कि मैं अब हम लोग अब जा रहे हैं, फलां आ गए हैं, वो इस तरह से जो रूटीन था वो चल रहा था। इसी और इसी बातचीत के दरमियान एक वायरलेस सेट से दूसरे वायरलेस सेट पर हिंदी में आवाज़ गूंजी। वो उनको ये पूछ रहे थे, क्या हुआ, तुम्हारा टाइम ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ, अभी कहाँ हो, इस तरह से कोई बात की। सुन के हम लोग भी चौंके, क्योंकि वहाँ बहुत स्पष्ट निर्देश थे कि अंग्रेज़ी की सवा किसी भी अन्य भाषा में किसी भी तरह के वायरलेस मैसेज का आदान प्रदान नहीं किया जाएगा, चाहे वो आपस में बातचीत ही क्यों ना हो रही हो। ये भी बताया गया था कि अगर आप ऐसा करेंगे और कंट्रोल रूम में इसकी जानकारी हो गई तो आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। हम लोग अपना जो दिशा निर्देश थे कि अंग्रेज़ी में ही बात की जाएंगी और कॉल साइन से बात की जाएगी, इस तरह से बातचीत हमेशा करते रहे। कभी भी पर्सनल नाम से या हिंदी में कोई भाषा का आदान प्रदान किसी अपने जानने वाले से या इंडियन कंटिंजेंट के किसी भी व्यक्ति से कभी कोई बात नहीं की। लेकिन अभी महीना भर भी नहीं बीता था, महीने भर से थोड़ा ज़्यादा हो गए थे, वो हिंदी में आवाज़ सुनी। फिर ढूंढा गया आपस में कौन हो सकता है, तो ये पता लगा कि ये पाकिस्तानी कंटिंजेंट के एक बहुत ही बहुत जॉली नेचर का, बहुत हंसमुख व्यक्ति, एक पुलिस अधिकारी इमरान साहब हैं, जो इस तरह की बात कभी कभी कर दिया करते हैं। मिलने पर भी बहुत ही गर्मजोशी से मिलते हैं, और अगर आप किसी परेशानी में हैं, आप इनको बुलाएं तो ये तुरंत हाजिर भी होते हैं। खैर, इमरान का नाम हम लोगों ने सुन ही रखा था। 4-5 दिनों बाद एक दिन, अब चूंकि बाहर आप निकलिए, वर्दी अगर आप पहने हुए हैं तो इंडिया लिखा होता है और पाकिस्तान लिखा होता है, बांग्लादेश लिखा होता है, फिर तो आप पहचान जाते हैं। लेकिन ड्यूटी आवर्स के बाद, जब आपका समय समाप्त हो जाता है, उसके बाद अगर आप मिलेंगे तो आप नेचुरली बाज़ार में मिलेंगे। हालांकि शक्ल सूरत चाल ढाल रिफ्लेक्सेस से पता लग जाता है कि अपनी तरफ का है, लेकिन ये पता करना वहाँ कठिन होता है कि ये भारतीय है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है। नेपाली मूल के जो पुलिस अधिकारी थे वो भी थोड़ा अलग से पहचान में आ जाते थे कि ये अपने भारतीय नहीं हो सकते हैं, ये नेपाली हैं या चाइनीज़ हैं या इस तरह के हैं, अगर सादे में हैं तो। अदरवाइज़ जो वर्दी में हैं उसमें पहचानने में कभी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसकी नेशनलिटी उसके नेम प्लेट के अपोजिट साइड पर वर्दी में टक की हुई होती है।
हम लोग शाम को फिर हम थे हमारे साथ जो हमारा हमारी टीम में हमारा अमेरिकन मित्र सैम था और तीन चार लोग थे जॉर्डिनियन मित्र थे। हम लोग सब शाम को एक जगह कॉफ़ी हाउस में, शाम को एक ही जगह, छोटी सी प्रिस्टिना, कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है, 10-20 किलोमीटर लंबी, कि वहाँ कोई दिक्कत हो। तो वहाँ हम लोग मिले, इकट्ठा हुए, और तभी जॉर्डिनियन मित्र ने कहा कि हेयर इज़ इमरान। वो कहीं उधर से पास हो रहा था, उसने आवाज़ लगाई, देखा बिल्कुल हम लोगों जैसे। हम लोगों ने उठ के हाथ मिलाया और मैंने बताया कि मैं इंडिया से हूँ, एकदम गले लिपट गया, और खैरियत से हैं। जो प्लीजेंट्रीज एक्सचेंज की जाती हैं सामान्य रूप से, वो उससे कुछ ज़्यादा ही इमरान भाई ने आत्मीयता दिखाई। हालांकि बाद के दिनों में हम लोगों ने ये महसूस किया कि विदेश में, बाहरी किसी मुल्क में, उस कंटिनजेंट के जो आदमी आपस में मिलते हैं तो उसमें ये विभेद नहीं रह जाता कि ये पाकिस्तानी हैं कि बांग्लादेशी हैं कि नेपाली हैं। श्रीलंकन्स वहाँ नहीं थे इसके बारे, इसलिए उनके बारे में कह नहीं सकता मैं। लेकिन बिल्कुल ज़रा सा भी नहीं लगता कि वापस अपने देश में लौटने पर कितनी कटुता हो जाती है आपस में, कि नाम लेना भी, आप 10 लोगों के बीच में बात कर रहे हैं और किसी का नाम लेके ये कह दें कि हमारा मित्र है तो सामने वाला बुरा मान सकता है। तो बैठे, उन्होंने फौरन, वो वापस जा रहे थे, उनको कुछ सामान खाने वाने का लेना था, लेके वापस जा रहे थे, और वो बैठ गए, उन्होंने कॉफ़ी पी। इमरान भाई ने सब तमाम बातें छेड़ दी कि लखनऊ का जिक्र आया, लखनऊ के लिए बताया कि साहब लखनऊ में ऐसे ऐसे हमारे कौन कौन से रिश्तेदार लखनऊ में रहते हैं। फिर बात उसी में जिक्र मुरादाबाद का भी आया, फिर थोड़ा सा जिक्र इन्होंने वहाँ झांसी का किया, झांसी के पास की किसी लोकेलिटी का। बहुत अच्छा सा लगा, हमारे पास उनके यहाँ के जिलों के बारे में या बताने को कुछ बहुत नहीं था, जितना सुन रखा था लोगों से, जितना पढ़ रखा था और जितना इंटरनेट पे अवेलेबल था, वैसे दो चार बातें उन्होंने बताई। फिर उन्होंने पूछा आप कहाँ रहते हैं, उनका एक दिन हम आएंगे। हम और चंबोली रहते थे, सामने की तरफ एक महाराष्ट्रीयन अधिकारी थे, वो रहते थे। ये तीन लोग वहाँ, हम लोग उस मोहल्ले में या उस लोकेलिटी में भारतीय थे, बाकी दूसरी तरफ की लोकेलिटी में ये पाकिस्तानी मित्र हमारे रहते थे। वो उनका भी, उन्होंने भी बताया कि वहाँ पे 4 या 5 लोग पाकिस्तानी कंटिनजेंट के एक साथ रहते हैं, मतलब एक रूम में नहीं लेकिन अलग अलग जगहों पे 4 लोग ऐसे रहते हैं। बातचीत चलते चलते ये हुई कि भाई ब्रेड खाते खाते आजीज आ गए हैं हम लोग। वहाँ ब्रेड ही मिलती थी, सरकारी आउटलेट भी था ब्रेड का, जो सुबह लाइन लगा के लोग लेते थे। और जो पहले जो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ के बारे में था कि सबको उसके कोटे से सुबह ब्रेड दिया जाता है और फिर वो जो ब्रेड दिया जाता है वही घर परिवार वो पूरा खाता है, उसके साथ जो भी नॉन वेज के का जो प्रिपरेशन होता है वो अपना घर पे ये लोग बनाते हैं। बाकी खाने का सामान भी सब वहाँ कोटे का होता है, राशन का होता है, उसकी राशनिंग होती है। हम लोग, आटा ख़त्म हो गया था और हम लोग पिछले 4-5 दिनों से ब्रेड ही ले आते थे। लेकिन ब्रेड का जो कंसेप्ट हमारे दिमाग में है कि वो चाय के साथ बटर लगा के, घी लगा के, सेंक के, या कभी कभार वो बेसन लपेट के उसकी निकाली हुई, जिसको ब्रेड पकौड़ा कहते हैं, इसके सिवा उसका और कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं था। बहुत बाद में वो कुछ छोले जैसी वस्तु के साथ खाने वाली वस्तु भी होती थी, छोटे छोटे ब्रेड के टुकड़े होते थे, लेकिन कभी दाल के साथ, कभी सब्जी के साथ ब्रेड खाने का कोई कंसेप्ट कभी मेरे दिमाग में भी नहीं था, क्योंकि न तो ऐसा मैंने सुना था और न ऐसा कभी महसूस किया था, न कभी ऐसा देखा था। बिल्कुल यही बात, सेम बात इमरान भाई ने बताई। कहने लगे भाई कुछ भी कहिए, जब तक रोटी न मिले तब तक, जो भी वो बता रहे थे अपना कि जो नॉन वेज की प्रिपरेशन थे और उससे पेट नहीं भरता, ये ब्रेड का तो सिस्टम अपनी समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा क्या किया जाए, यहाँ कैसे, आखिर आटा कहाँ से मिलेगा। उन्होंने बताया कि कोई एक ब्रांड इन्होंने बताया जो यूके में, ब्रिटेन में जो इस्तेमाल होता है वो कहीं जर्मनी में मिलता है, लेकिन वो इतना महंगा है कि उसके यहाँ आते आते फिर वो जो आधा हम लोगों को अलाउंस मिलता है वो उसी में ही ख़त्म हो जाएगा। इमरान ने एक बात और बताई
देखिए यहाँ पे हमारे जो 3-4 साल पहले कोई सज्जन आए थे, उन्होंने कहा था फ्लोर मिल ढूंढा करो वहाँ पे, जहाँ से ये मैदा इन ब्रेड वालों को सप्लाई होता है उसको ढूंढो, वहाँ पे आप थोड़ा उसको जो महीन आटा वो बनाते हैं मैदे के लिए, वो 2-4-6 किलो उसको थोड़ा सा मोटा करा दीजिए जो आटे की शक्ल में हो जाए, और यही एक तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। बात उनकी जच रही थी और बात समझ में भी आ रही थी कि अगर फ्लोर मिल है, गेहूँ ला के वो अमेरिकन गेहूँ बताते हैं आता था वहाँ पे, और उसको पीसते हैं, पीस के वो ब्रेड के लिए सप्लाई करते हैं, तो ज़रूर जब वो पीसा जाता होगा तो उसको इतना बारीक पीसने के बजाय थोड़ा सा मोटा पीस दें तो वो हमारा आटा हो जाएगा। हमने कहा इमरान आप भी ढूंढिए और हम भी ढूंढते हैं, ऐसी कोई फ्लोर मिल अगर मिल जाती है तो हम लोग चलते हैं एक दिन, कोशिश करते हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या वो हमारे लिए इस तरह से ऐसा कर सकते हैं। इमरान ने कहा ठीक है हम भी ढूंढेंगे। लौट के मैं वहाँ से आया, मैंने चमोली को बताया, चमोली ने कहा साहब आइडिया तो बहुत बढ़िया है, पहले भी कोई बता चुका है लेकिन फ्लोर मिल कैसे ढूंढी जाएगी। तो हमने कहा अलग अलग शिफ्टों में कुछ दिनों से हमारी और चमोली की ड्यूटी चल रही थी, तो मैंने कहा तुम पता कर लेना ये जहाँ से ब्रेड आती है उनसे पूछो कि वो आटा कहाँ से मंगाते हैं, और वो एड्रेस एड्रेस नोट करके चलो किसी दिन घूमते टहलते चलते हैं वहाँ, जो भी उसका मालिक होगा उससे बात की जाती है। इधर इमरान ने भी एक दिन बीच में और मिल गया नंबर, चूंकि हम लोगों के पास थे, एक आध बार मैंने कॉल तो बहुत महंगी थी SMS करके उससे पूछा था कि क्या कोई फ्लोर मिल मिली, तो उसने बताया नहीं भाई मैं ढूंढ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ही मिलेगी बताएंगे। करीब 5-6 दिन बाद, अच्छा हम लोग अपने ऑफिशियल जो हमारा काम था दिन भर, चूँकि वहाँ तनाव बढ़ रहा था, आपको मैंने बताया 17 फरवरी 2008 को इन्होंने अपनी स्वतंत्रता, कोसोवो की स्वतंत्रता की तिथि डिक्लेयर कर दी थी, और तनाव बढ़ता जा रहा था वहाँ, उसी हिसाब से हमारी ड्यूटियाँ भी लगाई जा रही थी, बहुत ढेर सारा कंसंट्रेशन संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति शांति समिति का जो पीस कीपिंग फोर्स थी हमारी, इसको ऐसे इलाकों पर लगाया जा रहा था जो सर्बियन इलाकों से होके या तो जाते हैं या सर्बियन इलाकों की तरफ जाते हैं या सर्बियन इलाके बीच में कहीं पड़ते हैं, ताकि रास्ते से कोई खुराफात इन इलाकों में ना हो। दूसरा ये था कि सर्बियंस बहुत डरे हुए थे कि जब इनका इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन होगा तो ये किसी भी समय हमारे मोहल्ले पर, हमारे परिवार पर ये आक्रमण कर सकते हैं, तो इस तरह का तनाव। लेकिन जैसे ही 8 घंटे का वो समय समाप्त हो जाता था, दिमाग में रोटी घूमने लगती थी कि कैसे रोटी का इंतज़ाम करें, सब बाकी सब चीज़ें थी, खाना भरपूर पेट भर हम लोग खाते थे, चावल वहाँ से ले आए थे, फिर ये हुआ कि अगर इसी रफ्तार से हम लोग चावल खाएंगे तो चावल भी ख़त्म हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, इसलिए रोटी का होना बहुत ज़रूरी है। और चावल वैसे भी हम लोग, मैं चूँकि इलाहाबाद से हूँ इस तरफ और लखनऊ ही बहुत लंबी लंबी अवधि से रह रहा हूँ, लखनऊ में बहुत ज़्यादा सेवा की है, तो चावल की आदत उतनी नहीं है, बिना रोटी के खाना हमेशा इनकम्प्लीट अधूरा सा लगता था। एक दिन ढूंढते ढूंढते चमोली ने पता मुझे बता दिया कि ये पता है जहाँ पर एक फ्लोर मिल है, जो आटा आसपास के ब्रेड की, जो जितने यहाँ पर ब्रेड की फैक्ट्रीज हैं उनको जो सप्लाई करते हैं, तो वो अपना देखे, उनकी सेकंड शिफ्ट की ड्यूटी थी, चमोली चले गए, मैं उसे लेके निकला, ढूंढते ढूंढते मैं उसके यहाँ पहुँच गया। मैंने इमरान को भी SMS किया कि आ जाइए एक फ्लोर मिल मिली है, हो सकता है कुछ हम लोगों के काम की बात वहाँ हो जाए। मैं पहुँचा वहाँ आधे घंटे बाद, करीब आधे पौन घंटे बाद इमरान भी ढूंढते ढूंढते पहुँच गए, हम लोगों ने बातचीत शुरू की, तो उसने पहला सवाल किया कि आपको कितना लेना है और किस पर्पज़ से लेना है, तो उनको हम लोगों ने बताया था हम लोग तो खाने के पर्पज़ से चपाती हम लोग बनाते हैं और उस पर्पज़ से चाहिए, तो उसने कहा कितना लेना है, तो हम लोगों ने कहा बहुत होगा, 10-10 किलो लेंगे फिर ले जाएंगे, उनका नहीं नहीं था, जब तक आप 10 क्विंटल नहीं करते हैं, हम एक बार अपने मशीन की प्रोग्रामिंग करेंगे उसको आपके हिसाब से बनाने के लिए, तो 10-15 किलो तो वो उसी मशीन में ही अटक जाएगा, हम तो ये बहुत ही हमारे लिए बिल्कुल प्रॉफिटेबल नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम लोगों ने देखने की इच्छा व्यक्त की कि कैसे है आपका फ्लोर मिल, तो हम लोग घूमते घूमते वहाँ फ्लोर मिल पे पहुँचे, बहुत बड़ा बड़ी बड़े एरिया में फ्लोर मिल थे, उनके काम करने वाले थे,
तो जो उसका मैदा था वो एक तरफ था, उसकी भूसी जो होती है ऊपर की, जो ब्राउनिश कलर की होती है, वो अलग गिर रही थी। तो हम लोगों ने पूछा कि ये क्या है, तो उसने कुछ उसका टेक्निकल नाम वहाँ बताया जो लोकल लैंग्वेज में कहते हैं। तो उसने हमसे कहा कि भाईजान ये तो भूसी है उसकी, गेहूं की ऊपर वाली, तो क्यों ना करते हैं ये भूसी ख़रीद लेते हैं इनसे और इसी मैदे में मिला के अपना आटा बन जाएगा, और ये ट्राई करते हैं, ज़्यादा नहीं मांगते हैं इनसे, अभी ले चलते हैं 5-5 किलो ले चलते हैं, और अपने अपना काम जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है ये बन जाएगा। खैर आटे का दाम उसने जो बताया वो रिजनेबल था कि साहब आप ऐसा, यही मैं मार्केट में भेजता हूँ, ये बेचता हूँ, आप इसी पर ले लीजिए। फिर उससे कहा कि ये हमें चाहिए, ये जो आपका है। तो पहले वो उसने कई बार हम लोगों को ऊपर से नीचे देखा, फिर जितना वो कम्युनिकेट कर पाया उससे ये लगा कि साहब इससे तो ये जानवरों का फीड है, इससे वो जानवरों के खाने की जो वस्तु होती है, जो उनके यहाँ कैटल होते हैं उनके उनके लिए इस्तेमाल की जाती है, आप इसका क्या करेंगे? तो इमरान ने कहा कि भाई ऐसा करो, 5 किलो इसे ले लेते हैं और 10 किलो मैदा ले लेते हैं, 15 किलो हो जाएगा। तो मैंने कहा ऐसे तो यार फिर अलग अलग कैसे आधा आधा बांटा जाएगा, ऐसा करते हैं कि हम लोग 1-1 किलो ये भूसी और 3-4 किलो आटा ले चलते हैं, तभी थोड़ा रफ होगा वो, नहीं तो इतना पतला रहेगा कि उससे रोटियां बनना मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसा ही किया गया। जो पहले तो वो देने को उसकी समझ में ना आए, उसको ये लग रहा था कि उसमें इसमें कोई साजिश टाइप की है, और फिर उसने जो हम लोग हमेशा अपना पासपोर्ट सामने रखते थे और जो UN का आई कार्ड है वो जेब में उसको क्लिप करके रखते थे ताकि किसी को कोई डाउट ना हो। तो खैर उसने बहुत कहने सुनने के बाद पहला काम ये किया कि हम लोगों का जो UN का आई कार्ड था वो उसका नंबर नोट किया, हमारा भी और इमरान का भी, और फिर उसने कहा कि हम इसका पैसा नहीं लेंगे, आप अगर ले जाना चाहते हैं तो इसको ऐसे ही ले जाइए। हालांकि वो अगर देखा जाए तो वो ज़्यादा महंगा था, जो गेहूं के ऊपर का आप समझ सकते हैं, जो भूरे रंग का छिलका है, जो कभी कभी पहले घर में हमारी दादी नानी जब आटा चक्की से पीस के आता था तो उसको बारीक चलनी में चालती थी, तो वो ऊपर वो हिस्सा आ जाता था, तो वो वही वही हिस्सा था। काफ़ी अपनी बात कहने के बाद वो तैयार हुआ और उसने कहा कि साहब ये तो हमारे लिए वेस्टेज है, बहुत थोड़ा बहुत इसका कभी कभी जानवरों के लिए लोग ले जाते हैं, उतना महंगा नहीं है, और आप इसको ऐसे ही ले जाइए, अगर आप आटा खरीदते हैं तो मैं आप अगर मैदा हमसे लेते हैं तो हम इसको ऐसे ही दे देंगे। खैर हमारे लिए तो वही ज़्यादा ज़रूरी था। ये उस तरह का आप ये समझें कि पहले जब जो मुझे याद है कि मेरी दादी नानी या बुज़ुर्ग घर में जो भी थी, जब चक्की से आटा पिसा के लाते थे लोग, तो उसको पतली वाली चलनी से चाला करती थी कि जो महीन हिस्सा है वो नीचे चला जाए और उसकी जो भूसी है वो ऊपर रह जाए, और उसको निकाल के अलग रख दिया जाता था, उसका डिफरेंट इस्तेमाल घर में जो खाना बनाता था वो करता था, वो दूसरी प्रिपरेशन उससे बनाई जाती थी। तो वो वही चीज़ थी, लेकिन चूंकि मैदा बहुत बारीक, बिल्कुल जिसको कहते हैं कि ब्रेड के लिए जो भी इस्तेमाल किया जाता है वो मैदा था और ये भूसी थी। खैर एक्सपेरिमेंट के तौर पे हम इमरान उसको ले आए, चमोली रात में आए, उनको बताया गया कि ऐसे ऐसे, अरे उसने कहा साहब काम बन जाएगा तुरंत फ़ौरन। उसमें पहले ये हुआ, थोड़ा थोड़ा मिला के ये देखा जाए कि किस रेशियो में मैदे में उस भूसी को मिलाया जाए, गेहूं के उस ऊपरी छिलके को मिलाया जाए कि वो आटे की शक्ल भी ले ले, उसको गूंथना आसान हो जाए और उसकी रोटी बनानी आसान हो जाए। तो खैर उसको पहले थोड़ा सा ज़्यादा, आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा मैदा लिया गया और थोड़ा थोड़ा उसको मिला के पहले देखा गया, और एक सर्टेन 2 मुट्ठी या 3 मुट्ठी या 4 मुट्ठी हमारे ख्याल से, मुझे बहुत एग्जैक्टली याद नहीं है, उसमें डालने के बाद वो बिल्कुल वैसा ही उसका टेक्सचर आ गया जैसा आटा का होता है। खैर उसे उस दिन गूँथा गया, रोटी बनाई गई, बहुत बिल्कुल जैसे आटे की रोटी होती है उस तरह की रोटियां उसकी बनी और उसी तरह से उसकी फूली, बल्कि हम लोग जो आटा ले आए थे उससे ज़्यादा सफ़ेद ये रोटियां बनी थीं, टेस्ट में कोई कमी नहीं थी, जैसा हम लोग अपने आटे से रोटी का टेस्ट पाते थे एग्जैक्टली वैसे ही उसका भी टेस्ट आ रहा था। उस दिन लगा जैसे अपने सिर से कोई 1000 किलो का भार हट गया हो, कि हम परेशान थे कि कहाँ मिलेगी रोटी, कहाँ मिलेगी रोटी, और उस दिन जो तरीका हम लोगों ने ढूंढा, बाकी बाद में जितने लोग भी मिले सबको ये तरीका बताया गया,
अब इंडिया से आते समय आटा लाने की कतई ज़रूरत नहीं है, बेकार में वो 5 किलो 7 किलो जगह घेरता है। आप ये यहाँ से ऐसे ऐसे करके वो इतने प्रोपोर्शन में मिला के वो हम आटे से अपनी रोटी तैयार कर सकते हैं। एक समस्या बिल्कुल ख़त्म हो गई, उस दिन खूब रोटी खाई गई, सब्ज़ी भी बना ली थी हम लोगों ने। ज़्यादातर रसेदार सब्ज़ी तो कभी सही तरीके से नहीं बन पाई, सूखी सब्ज़ी जो भी, क्योंकि आलू वहाँ बहुतायत में था, आलू भी था, टमाटर भी था, बाकी चीज़ें सब सब्ज़ी की सब बिल्कुल फ्रेश, एकदम फार्म फ्रेश जिसे कहते हैं, वो किसान लोग ले आते थे, वहीं मंडी में बिकती थी। और कुसुबो के स्थानीय निवासी वो शाम के समय खरीदने जाया करते थे। प्याज और लहसुन भी बहुत अच्छी क्वालिटी का, बिल्कुल जो हम लोगों की तरफ, यहाँ प्याज में ऊपर सूखे पत्ते होते हैं और उसके रंग अलग अलग हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं, वो ऊपर से भीतर तक बिल्कुल एक ही कलर का साफ़ सुथरा प्याज, और खूब बड़ी बड़ी लहसुन की जो वो होती हैं गांठियाँ होती हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी थी। तो उस दिन छक के खाया गया और एक समस्या का, जिसको कहते हैं, पूर्णतः समाधान हो गया। अगले दिन से फिर हम लोगों ने कंसंट्रेट करना शुरू किया कि हम ये जो समस्या आ रही है इससे कैसे निपटा जाए और कहाँ कहाँ। कभी कभी हम लोग, हमारी ड्यूटी एक टीम के साथ मित्रोविचा में लगाई गई, जो बड़ी संख्या में सर्बियन आबादी का क्षेत्र था और उससे बिल्कुल लगा हुआ सर्बिया का बॉर्डर था मित्रोविचा से। तो वहाँ सबसे एक एक्सपेक्टेड था कि उधर से सर्बियंस आ जाएंगे सर्बिया से, और वो इनकी मदद में यहाँ अल्बेनियंस के साथ दुर्व्यवहार करेंगे या लड़ाई झगड़ा होगा, और ये लोग जब करते हैं ऐसा तो हैंड ग्रेनेड्स का बहुत ही फ्रीली यूज़ करते हैं। तो सभी परिस्थितियों में तैयार रहने के लिए सबको कहा गया, और हम लोग भी वेट कर रहे थे कि 17 फरवरी यानी 16/17 की रात में क्या ऐसा होता है, क्योंकि हमने तो अपनी आज़ादी अपने देश की नहीं देखी, बाकी किसी और देश की आज़ादी का जश्न हमारी आंखों के सामने नहीं हुआ, लेकिन कम से कम एक देश की, बालकंस के एक देश की आज़ादी का जश्न अपने सामने देखना चाहते हैं। उनकी जो खुशी होती है, जो जो वहाँ के नागरिक हैं अपने आप को आज़ाद, जिस दिन आज़ाद वो अपने आप को मानने लगेंगे, उस दिन उनके मन में या उनके भाव, उनके एक्सप्रेशन, उनकी एक्टिविटी क्या होती है, ये हम लोग भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। 15 तारीख से ही जो रोस्टर था वहाँ पर वो चेंज होने लगा बराबर। सब बड़ी संख्या में कंसंट्रेशन सिटीज़ के भीतर, जो कस्बा था उसके भीतर किया गया, और आर्मी जो K4 है, अमेरिकन आर्मी जिसका सेंटर था वहाँ पे जिलान में, तो K4 के बहुत ढेर सारे टैंक डिप्लॉय होने शुरू हो गए 16 तारीख को ही। 15 तारीख को ही ये शुरू हो गए, बड़े अमेरिकन टैंक्स ऐसे सारे इंटरसेक्शंस पे जहाँ से लोगों का आना जाना है, रास्ते को ब्लॉक करके उसको चेक करना शुरू कर दिया। इनके जो जवान थे वो जो नए अत्याधुनिक जो इनके असलहे हैं उनके साथ वो अलग अलग, जैसे हमारे यहाँ नाके कहते हैं, उन्हीं नाकों पर तैनात हो गए, गलियों में तैनात हो गए, और बड़े बड़े मचान इन्होंने बना के ओवरव्यू रखने के लिए उसमें लगाना शुरू कर दिया। हम लोग जाते थे, बड़ा अजूबा सा लगता था, अमेरिकन आर्मी के जवान खड़े हैं हट्टे कट्टे हृष्ट पुष्ट, और वो MP5 एक तरफ लटकी हुई और दूसरी तरफ दूसरी गन लटकी हुई, पूरे साजो सामान के साथ वो खड़े होते थे। तो हम लोग तो पहला काम करते थे कि उनके साथ फ़ोटो खिंचवानी है, कल को ये पता लगे कि हाँ किस तरह से ये वहाँ गश्त करते थे या किस तरह से ये तैयार थे। और हमारा काम, हम लोग तो पीस कीपर्स थे, सिविल पुलिस के लोग थे, हमारा काम उनसे बिल्कुल डिफरेंट था। उनका काम आप समझ सकते हो, अगर आर्मी डिप्लॉयड है तो वो किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए वो किसी भी हद तक अपने जो उनकी SOP है उसके हिसाब से फायर पावर का इस्तेमाल करते, लेकिन हम अपनी पिस्टल हमारे पास थी, पिस्टल के सिवा हमें और दूसरे किसी भी, वो भी सेल्फ डिफेंस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये गैप था UN पीस कीपर्स के बीच में और K4 आर्मी के बीच में। तो ये देख के थोड़ा ऐसा लगता था, क्योंकि हम लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन फ़िल्टर करके दी नहीं जाती थी, या हमारे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होती नहीं थी, हम तो इस डिप्लॉयमेंट को देख के
लोगों से वहाँ बात करके ये समझते हैं थे कि कहाँ पर क्या चल रहा है, किस तरह का टेंशन है और क्या ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि यहाँ ऐसा होने वाला है। 16 की हम लोगों की ड्यूटी, वो हमारा जो रोस्टर था वो सवेरे का था। हम लोग 16 को सवेरे अपना 2 बजे तक घर आ गए, खाना वाना खा के और एक दूसरे से बात करते रहे। तमाम लोगों का रोस्टर शाम वाले शिफ्ट में था, वो लोग शाम को शहरों में, किसी किसी ने फ़ोन करके ये बताया भी। ज़्यादातर हम लोग इंटरनेट कॉलिंग का इस्तेमाल करते थे ताकि पैसा कम लगे। इंटरनेट भी हालांकि बहुत महंगा था, जो आप रिचार्ज कराते थे अपने इंटरनेट को वो भी बहुत बड़ा मुश्किल था कि बहुत ज़्यादा बात उससे की जाए। तो खैर, बातचीत से ये अंदाज़ा लगाया गया कि बिल्कुल शाम को 7 बजे के बाद से ही जैसे पूरा कोसोवो सड़क पर आ गया हो, और तरह तरह के जलसे, तरह तरह के समारोह, बहुत बड़े बड़े कंसर्ट्स जितने भी खाली वहाँ पे जगह हैं वहाँ पर ऑर्गेनाइज़ हो रहे थे और ये करीबन 10 बजे शुरू हो गए थे। तो खैर, हम लोग सुनते रहे और अचानक फिर करीब रात में 12:45 बजे के आसपास फायर की आवाज़ आने लगी, और 12 बजते बजते तो इतनी AK-47 की थरथराहट वो कोसोवो में गूंजी। चूंकि पहाड़ियों के बीच बसा हुआ ये शहर था, देश ही पूरा बल्कि इन पहाड़ियों पर या पहाड़ियों के बीच घाटियों में बसा हुआ है, तो जब वो एक मैगज़ीन पूरी खाली होती थी तो ऐसा लगता था कि बिल्कुल जाने क्या हो गया है। और बीच में मैंने एक आध बार कोशिश की बाहर निकल के झांकने की कि आखिर ये किधर से आवाज़ आ रही है, लेकिन फिर दिमाग में आया कि ये पता नहीं, गोली तो गोली है, कहीं से भी निकलेगी और कहीं को भी जाएगी। और कमरे में बाहर दरवाजे की तरफ देखते हुए, और वो उस समय ऐसा बिल्कुल अच्छा ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि ये आपस का झगड़ा है कि अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं, ये किस क्यों इतनी फायरिंग हो रही है। और जब वो 12 बजे से AK-47 गड़गड़ाना शुरू हुई, रूह कांप गई, क्योंकि ऐसा सिर्फ बैटलफील्ड में लोग महसूस कर सकते हैं। जो सैनिक होंगे उन्होंने ज़रूर सीमा पर इस तरह के दृश्य देखे और सुने होंगे, लेकिन हम लोग तो जो भी हम लोगों का आमना सामना जो क्रिमिनल से हुआ, बहुत चली 10 मिनट 15 मिनट गोलियां चली, थोड़ी देर में इधर शांति हो गई या उधर शांति हो गई, एक पक्ष निपट गया, थोड़ी देर में बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। लेकिन ये आधे घंटे से AK-47 और सिर्फ AK-47, इतनी गोलियां। उस समय मैंने ये भी अंदाज लगाया, तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर दोनों पक्षों के पास, सर्बियन और अल्बेनियंस के पास AK-47 बहुत ही बहुतायत, बहुत बड़ी मात्रा में है। हालांकि हम लोगों को जब कभी भी बताया जाता था ओरिएंटेशन के बारे में, जैसे इस स्वतंत्रता दिवस के पहले भी जो हम लोगों की ब्रीफिंग हुई थी उसमें ये बताया गया था कि अमेरिकन आर्मी ने पिछले 7-8 सालों में इनके आर्म्स की खोज की थी, कुछ तो वॉलेंटरली जमा कर गए थे और कुछ से रिकवर करके कर लिया है और इनको डिसआर्म कर दिया गया है, इसलिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस रात में 16/17/2008 की रात में इतनी AK-47 की गड़गड़ाहट से यही स्पष्ट हुआ कि वो जो अमेरिकन लोग थे हमारे साथ, जो अमेरिकन पुलिस के लोग थे, जो पीस कीपर्स थे, उन्होंने जो जानकारी दी थी वो जानकारी सही नहीं थी। बहुत बड़ी मात्रा में AK-47 इन लोगों के पास अभी भी है और कारतूस भी बहुत बड़ी मात्रा में है, जिसका अपने खुशी के समय वो फायर करके इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर, 1 घंटे के आसपास ये फायरिंग चली और बड़ी मुश्किल से 1 बजे के बाद ये थोड़ा थोड़ा धीमा होना शुरू हुई, और इतनी फायरिंग के बीच में नींद आने का कोई मतलब नहीं था, नींद आने का कोई सवाल नहीं था। खैर, वो उसके बाद अगले दिन हम लोग फिर अपने ऑफिस की तरफ जब जाने लगे तो सड़क के किनारे तमाम सजावट, बाज़ारों में तमाम सजावट, जगह जगह पंफलेट, जगह जगह बच्चे फूल लेके खड़े हुए थे। हम लोगों को भी रास्ते में बहुत जगह बच्चों ने फूल दिया, छोटे छोटे बच्चों के तमाम रंगारंग कार्यक्रम सड़कों के किनारे, पार्कों में, कॉलोनीज़ में ये चल रहे थे। उस दिन ऑफिस में बैठे बैठे ये एहसास हुआ कि हम भी एक किसी देश की आज़ादी के तारीखी गवाह हैं, कि एक किसी आज़ाद देश को आज़ाद होते हुए अपनी आँखों के सामने हमने देखा है। हम उस समय सन 47 की उस परिकल्पना में डूब गए
कि जब हम अंग्रेज़ों के चंगुल से मुक्त हुए थे और हमारे देश में भी आज़ादी का जश्न हुआ था। तो मैं समझ सकता हूँ कि उस समय हालांकि जो यहाँ फायर आर्म का यूज़ हुआ वो भारत में ऐसा नहीं था, लेकिन कितना जो सड़कों पे लोग आए थे जिनके पास इस तरह के AK-47 जैसे हथियार नहीं थे, कोसोवो में भी उनकी खुशी देखते बनती थी, बच्चों की खुशी देखते बनती थी, उससे ये अंदाज लग रहा था कि उस समय जब हम आज़ाद हुए थे तो किस तरह से लोगों ने अपनी खुशी का इजहार किया होगा। देखिए, किसी भी कोई भी इवेंट होता है, जैसे मैं इतनी लंबी सर्विस के बाद या अपना जीवन जो 50 के ऊपर का हो गया है, तो किसी देश की आज़ादी को हमने अपनी आँखों से देखा है और हम हमेशा इस बात का जिक्र करेंगे और हमेशा इस बात को उद्धृत करेंगे और हमेशा जो भी आने वाली जनरेशन है उसको बताएंगे कि हमने एक देश की आज़ादी देखी है। वो कैसे आज़ाद हुआ, क्यों आज़ाद हुआ, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी और कैसे हुआ था, इससे नहीं, लेकिन हमने अपनी आँखों से एक देश की आज़ादी देखी है जो दूसरे देश से अलग होकर, जिस देश से वो लड़ा झगड़ा 10 साल, अमेरिकन्स ने उसको रूल किया, उसके बाद वो आज़ाद हुआ, ऐसे देश की हमने आज़ादी देखी है। तो ये बड़ा इवेंट था और सबके हमारे बाद जो कंटिजेंट्स आए होंगे, हम हालांकि लास्ट कंटिजेंट थे यूनाइटेड नेशंस के, हम ही लोग यूरोपियन यूनियन को सारी सिक्योरिटी और सारा एडमिनिस्ट्रेशन कोसोवो का सौंप कर आए थे। हम लोगों के बाद कोई भी यूएन का मिशन कोसोवो नहीं गया था, कोसोवो के मिशन को अब वहाँ पर यूरोपियन यूनियन के अधिकारी संभाल रहे थे। तो वह उसकी तैयारी जिस तरह से चल रही थी, वो हम लोग उससे अपने आप को कनेक्ट करते थे देश की आज़ादी से, हम लोगों का 47 का जो मंजर रहा होगा उसको कनेक्ट करके बहुत दिनों तक हम लोगों ने इसे देखा था। फिर ये इसी बीच में मैं आपको बताऊं एक घटना और हुई कि ड्राइविंग टेस्ट, मैंने आपको बताया था कि पहली बार में मैं ड्राइविंग टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाया। मेरे दिमाग में हमेशा वो एक भार रहता था कि ये ड्राइविंग टेस्ट क्वालिफाई करना है। मैंने एक दिन फिर वहाँ मोटर ड्राइविंग सेंटर जो है यूएन का, वहाँ जाके उसी इंस्ट्रक्टर से संपर्क किया और उससे कहा कि दोबारा कब क्या है उसकी डेट। उसने कहा आप कभी भी दे दीजिए, लेकिन 3 बार से अधिक हम आपको नहीं देने देंगे। अगर 3री बार आप डिसक्वालीफाई कर गए तो आप फिर कभी यूएन के किसी मिशन में नहीं जा सकते हैं। उसकी बात में कुछ धमकी भरा अंदाज था। फिर हमने कहा कि हमने अच्छा, इस बीच में जो भी हमारे जिस जगह भी हम लोग अपने रोस्टर में जाते थे, तो अपने साथ के जो भी जिस नेशनल के लोग रहे होंगे उनसे बारीकियां पूछ लेते थे कि आखिर क्यों उसने डिसक्वालीफाई किया मुझे और कैसे इसको क्वालिफाई करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों में परफेक्ट। तो बराबर घंटों घंटों हम उन लोगों को लिए वहाँ पर ऐसे स्थान पर जहाँ चेकिंग यूएन के चेकिंग स्टाफ के आने की संभावना कम होती थी, वहाँ खूब ड्राइविंग की प्रैक्टिस करते थे। बड़े बड़े मैदान थे, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई हमें ऐसा नहीं था कि पहले भी कभी गाड़ी चलाने में, लेकिन अब वो जो नियम कानून वाली बात फंसती है कि आप सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं, जो हम लोगों ने कभी नहीं लगाया हिंदुस्तान में, आप हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करें, बैक लाइट का ही इस्तेमाल करें और गियर में गाड़ी को कभी ऐसे ना छोड़ें, इंडिकेटर दे के ही दाएं या बाएं चलें, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हम इस्तेमाल नहीं करते थे, पुलिस की गाड़ी में होते थे, इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो सब चीज़ें लोगों ने बताई। हमारे साथ जो जॉर्डेनियन नेशनल था उसने बहुत बारीकी से बताया कि देखिए ये इनकी आदत है, हम लोगों को भी शुरू शुरू में इन्होंने ऐसे ही फेल किया था, लेकिन आप ट्राई करिएगा, ऐसा नहीं है कि आप तो अच्छे से चला लेते हैं और फेल नहीं करेगा। खैर, उसी बीच में दोबारा मैंने उससे गया, उस बस वो तैयार बैठा था, उसने कहा आइए मैं टेस्ट कर लेता हूँ, बैठा मैं, मुझे ले गया वो। फिर वो उसी पर बोलता था लेफ्ट राइट, इस तरह की बातें जो उसके इंस्ट्रक्शन होते थे वो बताया करता था। वो एक बहुत स्टीप पहाड़ी पे ले गया, तो उसने कहा आप इसको यहाँ से उस पीक तक आप पहुँचाइए। बहुत स्टीप पहाड़ी थी और पहाड़ी के लिए हमने कभी ट्राई नहीं किया था। खैर, मैं उसे मुझे बताया था हमारे जॉर्डन मित्र ने कि इसको गियर 1 में या गियर 2 में ही ले जाइएगा, ये ले जाएगा कभी न कभी आपको। खैर, वहाँ मैं पहुँच तो गया किसी तरह से, लेकिन जो परफेक्शन होना चाहिए था वो परफेक्शन नहीं था। खैर, उसने वापस चलने के लिए कहा, हम लोग वापस हेडक्वार्टर आए, वो अलग
कमरे में मुझे अलग सबको, जब सब लोग चले गए तो उसने कहा देखिए साहब, इस बार के टेस्ट में भी आप क्वालिफाई नहीं किए हैं। और मेरा फिर कलेजा सूख गया, मैंने कहा लगता है ये नहीं लिखा हुआ है क्या ड्राइविंग लाइसेंस मेरे किस्मत में यूनाइटेड नेशंस का। तो मैंने कहा लेकिन सब तो कर दिया, तो बोले ना आपको इस गियर में ले जाना चाहिए था, उस गियर में ले जाना चाहिए था, स्पीड इतनी मेंटेन करनी चाहिए थी, टेक्निकल बातें। खैर बात करते करते उसने कहा चलिए कॉफ़ी पिलाते हैं आपको। मेरी समझ में नहीं आया कि इसको कॉफ़ी पिलाने का क्या ऐसा हुआ। खैर वो ले गया कॉफ़ी टेबल पे, कॉफ़ी वॉफ़ी मंगाई, पैसा हालांकि मैंने ही पेमेंट किया उसका। फिर वो बातचीत करते करते उसने बात कुछ इस तरह से बताई कि उसको अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए जर्मनी भेजना है। जैसे ही उसने बात शुरू की मैं समझ गया, मैंने कहा ये बिल्कुल देशी हिंदुस्तानी तरीका है जो हमारे यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में, राशन कार्ड बनाने में, वोटर आई कार्ड बनाने में होता है। जो बाबू जिस तरह से दाएं बाएं करके बातें करता है, हालांकि हमारे यहाँ तो बड़ी सीधी सीधी बात करते हैं, ये थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में दाएं बाएं बात कर रहा था। उसने कहा कि मैं इसकी अभी इंट्री नहीं करूँगा क्योंकि फिर ये सेकेंड चांस में गिना जाएगा, फिर आपके पास एक ही चांस बचेगा, आप एक दो दिन और प्रैक्टिस करके आइएगा फिर मैं देखूँगा। मैं समझ गया कि ये चाहता है कि दो दिन बाद मैं जाऊं और फिर मैं इसकी कुछ सेवा करूं और फिर इस तरह की बात है। बट हमारे पास कोई चारा भी नहीं था, हम इसके आगे कुछ कर भी नहीं सकते थे। हमारे यहाँ उस दिन गए, मैंने चमोली से जिक्र किया तो चमोली ने कहा सर ऐसा है कि ये बहुत बदमाश हैं और ये कहीं अपने हिंदुस्तानियों से अलग नहीं है, जैसे हमारे हिंदुस्तानियों का RTO कार्यालय है ये बिल्कुल वैसे ही है। और महात्रे ने भी जो सामने हमारे रहते थे महाराष्ट्रीयन, उन्होंने कहा कि उन्होंने अभी 10 दिन पहले उनको भी पहली बार में फेल किया था और अभी उन्होंने अपना उनका बना दिया है। एक मिनट ज़रा उनसे चल के हम लोग पूछते हैं। तो उनके पास गए, आए हुए थे, बिठाया उसने, चाय वाय पिलवाई और मैंने कहा भाई ये ड्राइविंग लाइसेंस के, बोले बहुत बदमाश है वो और वो पैसा चाहता है। और हमसे भी ये कहा तो मैं तो 50 यूरो मैंने उसको दिए, करीब 1500 के आसपास, और तुरंत ही हमारा उसने ड्राइविंग लाइसेंस भी बना दिया। हम लोग वापस आए, विचार किया कि इसको 50 यूरो दिए जाएं कि न दिए जाएं और क्यों दिए जाएं, इस तरह की बात हम लोगों ने कही। तो उसने महात्रे ने कहा कि सर देखिए, क्योंकि वो इंस्पेक्टर रैंक का था, चमोली भी हमारे उस समय इंस्पेक्टर रैंक के थे, उन्होंने कहा सर आप क्यों परेशान होते हैं, हिसाब किताब बराबर हम लोग कर लेंगे, हम लोग उससे बात कर लेते हैं, आप पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लीजिए। हमने कहा भाई पैसा तो मैं नहीं दूंगा, ना आप लोगों को देने दूंगा। बोले साहब फिर वो बनाएगा नहीं, दो बार कर देगा फिर तीसरी बार और उसका मुंह खुलेगा, क्या फ़ायदा होगा इससे, और अगर आपको ना आती होती तो बात समझ में आती, आप ड्राइविंग करते हैं बहुत अच्छी ड्राइविंग करते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि आप अपनी गाड़ी चलाते हैं, अब इनके नियम कायदे इनके नियम कानून में हो सकता है नहीं फिट बैठ रहा है। और वो टारगेट करते हैं कि 20% लोगों को फेल करते हैं, फिर उन्हीं से थोड़ा थोड़ा करके ये पैसा जमा करते हैं। मैंने भी सोचा कि देखिए ये रिश्वतखोरी, ये भ्रष्टाचार, ये कहाँ कहाँ अपनी जड़ें फैला के बैठा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति मिशन के हेडक्वार्टर के भीतर बैठा हुआ ये जो मोटर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का इंचार्ज है, ये भी इसके भी दिमाग में वही है कि कैसे पैसा कमाया जाए। खैर हमारे दोनों मित्रों ने हमें डेट बताई कि फलां तारीख को आप जाइएगा। बहुत मुश्किल से मुझे 1 किलोमीटर ले गया और फिर उसने कहा कि कल आके अपना ड्राइविंग लाइसेंस आप ले लीजिएगा। अगले दिन मुझे मेरा ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया। तब महात्रे और चमोली जी ने मुझे ये बताया कि उसको 50 यूरो हम लोगों ने दिए थे। खैर वो उसका मैंने उनको पैसे भी दिए, बहुत नाराज़गी भी व्यक्त की कि आपको कतई पैसा नहीं देना था, अरे बहुत होता हम कौन सा दोबारा आने वाले हैं और हम किस UN डेपुटेशन पे जाएंगे, और लेकिन ये मेरे लिए संभव नहीं था। बहरहाल हमारे उन दोनों मित्रों ने, दोनों सबॉर्डिनेट्स ने ऐसा कर दिया जो मेरी जानकारी में नहीं था। दुख भी मुझे बहुत हुआ, अफसोस भी हुआ, और इस सिस्टम पर वो सिस्टम कहीं का भी हो उस पर रोना भी आया और हंसना भी आया। आज के लिए इतना ही, बहुत 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 धन्यवाद।